व्याख्या है, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरिश्रमजल भिज्यो उर अंचल तिहिं लालचन धुआवती सारी अधमुख रहती अनत नहीं चितवती। ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। हरि संदेश सुनी सहज मृतक वही एक विरहिणी दूजे अली जारी। सूरदास कैसे करी जीवे ब्रज वनिता बिना श्याम दुखारी। देखें जब व्याख्या आप कर रहे होते ना तो व्याख्या के साथ जस्टिस करने की कोशिश करें, और जब मैं कहता हूं कि व्याख्या के साथ जस्टिस करने की कोशिश करें तो इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता, प्रश्न यह उठते जैसे व्याख्या ही इसकी लिख रहे हैं, और बार बार मैं कहता हूं इन पंक्तियों को केंद्र में रखें। अगर इसकी व्याख्या मुझे लिखनी हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य शुक्ल की नजरों में सूरदास जी जो हैं वो विरह श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। लेकिन जब विरह वर्णन की अद्वितीयता की बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागमती के विरह वर्णन को अद्वितीय मानते, और इसके पीछे रीजन यह है, इसके पीछे रीजन है नागमती के विरह वर्णन में जो संवेदनात्मक गहराई है, नागमती के विरह वर्णन में जो संवेदनात्मक गहराई है वह कहीं न कहीं उसे विशिष्ट बनाती है, क्योंकि इसी संवेदनात्मक गहराई के कारण नागमती का विरह वर्णन जो है वह प्रसरण धर्मी स्वरूप धारण करता,
निर्वैयक्तिक स्वरूप धारण करते हैं। मतलब वह व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता, पूरी की पूरी प्रकृति और यहां तक कि पाठकों को भी अपनी आगोश में लेता हुआ आता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार में विरह वर्णन के लिए गोपियों की विरहजन्य मन स्थिति का उद्घाटन किया है। इस विरह वर्णन के केंद्र में राधा नहीं है, लेकिन जहां जहां उन्होंने राधा को केंद्र में रखते हुए विरहजन्य मन स्थिति के उद्घाटन का प्रयास किया है, वहां पर उनका विरह वर्णन भी नागमती के विरह वर्णन के करीब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात तो वहां पर उनके विरह वर्णन में भी वैसी ही संवेदनात्मक गहराई दिखाई पड़ती जैसी संवेदनात्मक गहराई नागमती के विरह वर्णन में दिखाई पड़ती। वहां पर उनका विरह वर्णन भी प्रसन्न धर्मिता की संभावनाओं को समाहित करता हुआ आता। वहां पर उनका विरह वर्णन भी तेज तो ज्यादा नहीं है, हल्का सा, तो हल्का सा आप तेज हो जाए और हल्का सा मैं धीमे हो जाता हूं। वहां पर नागमती के विरह वर्णन की तरह सूर का विरह वर्णन भी व्यक्ति के हद को लांघने के करीब पहुंचता दिखाई पड़ता, प्रकृति और परिवेश को आप्लावित करने की स्थिति में पहुंचता है। अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो प्रमाण है सूर का यह पद, जिसमें सूर ने राधा की जो विरह विदग्ध मन स्थिति है उसका यहां पर उन्होंने चित्रण किया है। और इस चित्रण के क्रम में देखें नहीं, कहीं ना कहीं विरह के प्रभावों के कारण, विरह की ताप में, विरह की आग में जल जल कर गोरी राधा कैसी हो गई हैं, मलिन हो गई। लेकिन विरह की ताप राधा की मलिनता का यह एकमात्र कारण नहीं है। राधा के संदर्भ में उनकी मलिनता का एक और भी कारण है, और वह कारण क्या है? विरह ने उनकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर रखा है। उनकी जिंदगी तो जिंदगी के साथ साथ उनकी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त है। राधा ने नहाना धोना तक छोड़ दिया है, नहीं? क्यों नहाना धोना छोड़ दिया? तो हरि समजल भेजो और अंचल तिहि लालचन दुहावती सारी। देखे सूर की खासियत इस बात में है, सूर के विरह चित्रण का सौंदर्य इस बात में है कि उन्होंने विरह श्रृंगार के चित्रण के क्रम में भी संयोग की स्मृतियों को बनाए रखा है, और संयोग की ये स्मृतियां, संयोग की ये स्मृतियां क्या करती हैं? तो संयोग की ये स्मृतियां जो हैं कहीं ना कहीं विरह के उत्प्रेरक के रूप में सामने आती। एक साथ संयोग विरह का अवलंब भी है, अवलंब का मतलब सहारा, संयोग विरह का अवलंब भी है और संयोग जो है विरह के लिए उत्प्रेरक भी है। राधा कृष्ण जब प्रस्थान कर रहे थे अक्रूर के साथ, तो राधा ने जिस नील वसन को धारण कर रखा था, जिस नील वसन में राधा को कृष्ण ने आलिंगन किया था, उस नील वसन ने
कृष्ण के शरीर के पसीनों को समाहित कर रखा। उन पसीनों के जरिए कृष्ण के शरीर की गंध जो है उस नील वसन में समाहित हो जाती, और वियोग में वही गंध संयोग की स्मृति को बनाए रखते हुए राधा का सहारा बन जाती। तो राधा ने इस डर से, राधा ने उस नील वसन को नहीं धोया कि धोने की स्थिति में पसीने के उस गंध से उन्हें वंचित रह जाना पड़ेगा। और पसीने के गंध से वंचित रहने का मतलब है संयोग की स्मृतियों से वंचित रहना, उसका मतलब है विरह के अवलंब का छिन जाना। तो अगर यहां पर देखें, हरिश्रम जल अंतरतम भिज्यो तिहि लालच न धुआवती सारी, इसमें घ्राण बिंब की योजना है। नहीं, अगली पंक्ति में देखें, अधमुख रहती उरद अनत नहीं चितवती। संयोग के दिनों में राधा अपने चांचल्य के लिए जानी जाती थी, राधा अपनी चंचलता के कारण जानी जाती थी, लेकिन वियोग ने क्या किया है, वियोग ने राधा से उनकी चंचलता को भी छीन लिया है। अब वही राधा, ऊर्ध्वमुख राधा अब अधोमुख रहती, उनके चित्त को कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं सुहाता। और राधा की स्थिति किसके समान हो गई है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के जरिए, उत्प्रेक्षा के जरिए दृश्य बिंब की योजना। सूरदास जी विरह विमर्दिता की राधा की तुलना उस जुआरी से करते हैं जो जुए में अपना सब कुछ दांव पर हार कर आया है। उस कमल से करते हैं, उस नलनी से करते हैं जो नलनी पाले के आघात के कारण मुरझा चुकी है, कुम्हला चुकी। तो कहीं न कहीं विरह के ताप ने राधा से भी उसके तेज को छीन लिया है। राधा भी कुम्हलाई हुई सुनाई पड़ती। अगली पंक्ति में देखें, हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई। मरण को विरह की 11वीं अवस्था के रूप में देखा गया। विरह का आलम यह है कि सजीव राधा निर्जीववत व्यवहार कर रही, लेकिन जैसे ही हरि के संदेश की बात उन तक पहुंचती है, राधा सहज होती हुई दिखाई पड़ती। नहीं, और अगर देखें, लेकिन यह संदेश भी कैसा होता साबित होता, मर्मांतक साबित होता। एक तो वीरा है और दूसरा प्रेमी का संवेदनात्मक आघात करने वाला संदेश। नहीं, क्योंकि संदेश क्या है, ज्ञान और योग का है। रूप और प्रेम के निषेध की पृष्ठभूमि में
उद्धव ज्ञान और योग का संदेश और ज्ञान और योग के बहाने निर्गुण का संदेश लेते हुए आते। और इसी पृष्ठभूमि में सूरदास जी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह दुखियारी राधा कृष्ण के बिना जिएगी कैसे, जिए तो कैसे जिए। तो अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण में देखें तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में उत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा के जरिए जिस बिंबात्मकता की योजना की गई है, और बिंब भी कैसा, बिंब भी सहज और सरल नहीं, बिंब भी जटिल, जहां दृश्य और घ्राण, दृश्य घ्राण और गति, इन तीनों का संयोजन दिखाई पड़ता है। और इसलिए ब्रजभाषा का साहित्यिक सौंदर्य इस प्रकरण में अपने चरम पर पहुंचता दिखाई पड़ता। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? हम पंक्तियों को केंद्र में रखें और पंक्तियों के जरिए हम व्याख्या के क्रम में भावार्थ, विशेषार्थ और काव्यगत वैशिष्ट को उद्घाटित करने की कोशिश करें। नहीं, अनावश्यक हमें कहानी नहीं लिखनी है, इस चीज को हम समझने की कोशिश बढ़ूं आगे। अगली व्याख्या है, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जर या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, अस्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण सी, टकराता फिरता पवमान। देखें ये पंक्तियां कामायनी के चिंता सर्ग से ली गई, नहीं? और अगर आप देखें तो पहली दो पंक्तियां जो हैं, इन दो पंक्तियों के जरिए जर और चेतन, जर और चेतन के अभेदत्व का निषेध किया गया। यहां पर जर और चेतन के फर्क को नकारा गया है और अगर हम कहें तो इसके बहाने स्थूल और सूक्ष्म के फर्क को भी नकारा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने
छायावाद को अस्थूल के खिलाफ सूक्ष्म के विद्रोह की संज्ञा दी, लेकिन महादेवी अस्थूल और सूक्ष्म में, अस्थूल और सूक्ष्म के बीच कोई तात्विक भेद नहीं स्वीकार करती। महादेवी कहती हैं कि अस्थूल और सूक्ष्म जो हैं उनमें कोई तात्विक भिन्नता नहीं है, जो भी भिन्नता हमें दिखाई पड़ रही वो क्या है, इनमें तात्विक भिन्नता नहीं है, जो भी भिन्नता है वह रूप भेद है। और रूप भेद वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक होता। हिम जो जल का स्थूल रूप है और जल जो हिम का द्रवीकृत रूप है, एक सघन है, हिम सघन है और जल क्या है, तरल है। एक तत्व की ही प्रधानता, प्रधानता एक ही तत्व की है, उसे आप जड़ कहना चाहें या चेतन करना चाहें यह आप पर निर्भर करता। तब प्रकारांतर से अगर आप देखें तो जड़ और चेतन के बीच भेद को नकारते हुए प्रकारांतर से यहां पर किसकी प्रतिष्ठा की गई है, अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा की गई। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर दृश्य बिंब की योजना भी देखी जा सकती, नहीं? और दूसरी चीज देखें, यह जितना प्राकृतिक परिवेश के चित्र को लेकर उपस्थित होता उतना ही मनु के अंतर जगत का भी चित्र लेकर उपस्थित होता। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब और गति, दृश्य ध्वनि और गति को संयोजित होते देखा जा सकता है, और दृश्य ध्वनि और गति का संयोजन एक संश्लिष्ट बिंब की रचना करता है। देखें, हिम के बहाने मनु की भी चेतना शून्यता का संकेत है, नहीं? जिस चेतना शून्यता को तोड़ने की कोशिश कौन करता है, जिस चेतना शून्यता को तोड़ने की कोशिश करती है बर्फीली हवा, ना केवल मनु की चेतना शून्यता को तोड़ने की कोशिश करती बल्कि वह चलने वाली बर्फीली हवा जो है वह कहीं ना कहीं नीरवता को भी तोड़ने की कोशिश करती है। यहां पर देखें उपमा की योजना है, उपमा अलंकार की योजना यहां पर की गई है, और उपमा की योजना के जरिए चिंता सर्ग के इस दृश्य के माध्यम से मनु की मन स्थिति को भी संकेतित करने का प्रयास किया गया। चूंकि कामायनी छायावादी कवि की रचना है, चूंकि कामायनी छायावादी कवि की रचना है और छायावाद में आकर खरी बोली हिंदी काव्य भाषा के संस्कारों से लैस होती है, तो काव्य भाषा के संस्कारों से लैस होते हुए उसे यहां पर देखा जा सकता। और चूंकि छायावादी कवि प्रकृति से कहीं गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है, प्रकृति में रमने और ठहरने का वास्ता लेकर आता है, इसलिए अगर आप देखें तो कहीं न कहीं प्रसाद की छायावादी चेतना यहां पर प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में
रमती हुई दिखाई पड़ती, दैट्स ऑल। बढ़ूं आगे? नहीं तो वो दिखनी चाहिए विशेषताएं, वो लिख करके निकल जाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। वो स्पेसिफिक होना चाहिए कहां पर क्या है। मैंने बतलाया ना, मैंने आपके साथ चर्चा करते हुए बतलाया ना, हर स्टेप में कहां पर क्या है, वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि लिख देते हैं अब एग्जामिनर को जो लगे ले ले, ना लगे छोड़ के निकल जाए, इससे नंबर नहीं मिलेंगे। संतुष्टि भले लिख के आपको मिल जाए, लेकिन जब मार्क्स आएंगे ना तो मन ही मन भरपूर गालियां देंगे एग्जामिनर को।